नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी साथियों का एक्स स्मार्ट स्टडी पर साथियों देखिए एसएससी सीएचएसएल का पेपर चल रहा है जिसका एक और दो जुलाई को आपका पेपर हो चुका है अभी जो आपका एसएससी सीएचएसएल का पेपर है वह है तीन जुलाई चार पाँच उसके बाद है आठ जुलाई नौ दस और ग्यारह जुलाई को यानी अभी एक दो तीन चार पाँच छः सात दिन आपके पेपर होने बाकी हैं और डेली चार शिफ्ट में पेपर हो रहा है यानी हम बोल सकते हैं कि अभी जो है ना 28 शिफ्टों में आपका पेपर होना बाकी है और देखिए अभी तक हुए पेपर के अकॉर्डिंग जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आज के इस क्लास में स्टेटिक जीके के पूरे 50 क्वेश्चंस कराएंगे बिल्कुल वही लेवल के जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं तो ये क्लास जिनका पेपर अभी एस 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 सी एच एस एल टीयर वन का बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो शुरू से अंत तक देखना है साथियों क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखना जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह है साथियों दिल्ली तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली आगे देखिए भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही थी यानी भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह सबसे अधिक किस दशक में रही थी ये पूछा जा रहा है तो याद रखना 1961 से 71 के दशक में तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी आगे देखिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है तो भाई जनसंख्या जिसे हम पढ़ते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य का है तो बिहार का है और सबसे कम किस राज्य का है तो आप बताते हैं सर अरुणाचल प्रदेश का है हाँ बिल्कुल सही है लेकिन जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है देखिए ध्यान से प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व तो बोलते हैं तो यहाँ आपका राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी देखिए अगला क्वेश्चन है क्यू किस खेल से संबंधित है यानी एक शब्द वाली है जो कि एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है तो यहाँ पर पूछा ही जा रहा है कि ये जो क्यू शब्द है इसका उपयोग किस खेल में होता है या किस खेल से संबंधित है तो ध्यान से देखिएगा क्यू शब्द जो है ये साथियों बिलियर्ड्स खेल में प्रयुक्त होता है तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स अगला क्वेश्चन है गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है ये सरल क्वेश्चन है आप लोगों ने सुना होगा कई ज़्यादा ही बार तो देखिए गूगली शब्द की अगर बात करें तो इसका संबंध है क्रिकेट से राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट अगला है किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है काफी अच्छा क्वेश्चन है तो देखो किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिए राइट आंसर होगा शूटिंग में शूटिंग जो होता है ना साथियों उसमें जो है बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का साम्वेदिक निकाय कौन सा था तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उन्नीस से छप्पन तक चली थी और इस दौरान स्थापित उच्च शिक्षा सामवेदिक निकाय कौन सा था तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग याद रखिए यह पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित होने वाला उच्च शिक्षा सामवेदिक निकाय था कौन सा भाई तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेक्स्ट है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल एक नृत्य नहीं है क्वेश्चन का तात्पर्य है कि ये जो आपको नृत्य दिख रहे हैं चार ये चारों शास्त्रीय नृत्य हैं लेकिन इनमें से कौन सा नृत्य है जिसको अकेले एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी ओडिसी जो है साथियों ये अकेला किया जाने वाला नृत्य नहीं है ओडिसी की बात करें तो इसका जनक गुरु गेल। गुरु केलुचरण महापात्रा जी को जाना जाता है ठीक है जो कि मशहूर नर्तक थे ओडिसी नृत्य के और ओडिशी की मशहूर नृत्यांगना भी हैं जैसे कि आपकी हो गई सोनल मान सिंह ठीक है एक वणग्राही जी हैं इसके अलावा देखिए बात करें अगर भारतनाट्यम का तो भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है अट्टम के अलावा केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जो आप जानते होंगे कथाकली ठीक है याद रखना आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं यानी इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं तो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर टी एन कृष्णन साथियों ये जो है एक भारत के मशहूर वायलिन वादक हैं याद रखिए देखिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर करते चलना ठीक है नेक्स्ट है मोहनियाट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ तो मोहनियाट्टम नृत्य मैंने आपको बताया ये केरल राज्य का शास्त्र नृत्य है तो इसका विकास भी केरल में ही होगा ऑप्शन नंबर सी केरल आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे ये भी आपको अभी मैंने बताया था कि साथियों गुरु केलुचरण महापात्र को ओडिशा नृत्य का जनक कहा जाता है तो भाई इनका संबंध होगा ओडिशी से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा ओडिशी सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है तो देखिए इनमें से जो वाद्य यंत्र आपको दिख रहे हैं चार इनमें से जो सबसे पुराना है वह है वीणा करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बाल कृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है तो ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त की हुई बालकृष्ण बुआ इनका संबंध साथियों किस संगीत घराने से है ये पूछा जा रहा है तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा ग्वालियर घराने से ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है यानी गौतम बुद्ध के जीवन की वो कौन सी घटना है जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो देखिए ध्यान से करेक्ट आंसर होगा उनका त्याग यानी जब गौतम बुद्ध ने त्याग किया था अपना घर छोड़ा था उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना गया है आगे देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है याद रखिएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया से करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं तो भाई भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं तो भाई करेक्ट आएगा मोहनिअट्टम मोहिनीअट्टम नृत्य के गुरु हैं भारतीय शिवाजी जिसका संबंध केरल राज्य से है रुक्मणि देवी अरुणेल कला के किस विद्या से संबंधित हैं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये तो देखिए रुकमणि देवी अरुणेल ये कला के किस विद्या से संबंधित है याद रखिएगा साथियों शास्त्रीय नृत्य से राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी शास्त्र नृत्य अगला क्वेश्चन है दमयंती जोशी किस शास्त्र नृत्य से संबंधित हैं तो देखिए दमयंती जोशी की बात करें तो ये किस शास्त्र नृत्य से संबंधित हैं तो याद रखिएगा कत्थक नृत्य से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कत्थक अगला क्वेश्चन आपका ये रहा बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो भाई देखिए बिहू जो है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों तो असम का है याद रखना असम में कुल तीन प्रकार का बिहू मनाया जाता है पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखिए पनिहारी लोक नृत्य जो है ये आपका राजस्थान में प्रचलित है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है तो साथियों ध्यान दीजिए भांगड़ा जो है ना ये भाई पंजाब का नृत्य है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आएगा पंजाब अगला है आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप किस खेल से संबंधित है तो देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप ये किस खेल से संबंधित है तो याद रखिएगा क्रिकेट से अभी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस अंडर ट्वेंटी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता है याद रखना ठीक है आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है तो देखिए सुल्तान अजलन शाह कप जो है ना ये किस खेल से संबंधित है तो याद रखिएगा हॉकी से करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो भाई सी के नायडू ट्रॉफी ये किस खेल में दिया जाता है तो भाई ये तो क्रिकेट में दिया जाता है ऑप्शन नंबर एक क्रिकेट अगला है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है याद रखिएगा देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है ये आपका क्रिकेट से है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है मडेका कप किस खेल से संबंधित है तो देखिए मडेका कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित एक कप है याद रखना सर जहां कप विजय हजारे ट्रॉफी तथा एशिया कप किस खेल से संबंधित है तो ये सभी क्रिकेट से संबंधित कप है ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में से किसकी रोनैंड देखिए रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है यानी इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल है जिसको इनके अलावा रोलेंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए करेक्ट आएगा फ्रेंच ओपन को साथियों फ्रेंच ओपन याद रखना ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो देखिए नेहरू ट्रॉफ़ी की बात जब भी आती है ठीक है तो हॉकी ये ऑप्शन में फुटबॉल और हॉकी एक साथ नहीं दिया हुआ रहेगा ठीक है क्योंकि दोनों से ही संबंधित है यहाँ हॉकी को ज़्यादा प्रेफर करना मैं आपको बता दूँ नेहरू कप जो है ना ये फुटबॉल से जुड़ा है इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौका दौड़ से भी है और जवाहर नेह जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट हॉकी से भी संबंधित है याद रखना ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बेल बारकर कप प्रदान किया जाता है यानी ओलंपिक खेलों में से इनमें से वो कौन सा खेल है जिस खेल में बेल वारकर कप दिया जाता है तो याद रखिएगा मुक्केबाजी में ऑप्शन नंबर भी राइट होगा मुक्केबाजी अगला है दीपा कर्माकार किस खेल से संबंधित हैं तो साथियों देखिए दीपा कर्माकार का संबंध किस खेल से है तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए जिम्नास्टिक्स से याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है यानी इनमें से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल नहीं खाता है गलत बताया गया है तो साथियों देखो झुलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है लेकिन सूर्य कुमार यादव शतरंज से नहीं सूर्य कुमार यादव का संबंध क्रिकेट से है तो ये जोड़ा गलत है यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आगे देखिएगा बूला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधि से सुविख्यात यानी चौधरी का संबंध किस खेल से है तो राइट आएगा तैराकी तैराकी से ऑप्शन नंबर सी तेराकी. आगे देखिए भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था तो भाई याद रखना भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना ऑप्शन नंबर ए इसके बारे में बता दें देखिए इस क्रांति का उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से कृषि फसलों विशेष रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना था इसकी शुरुआत की बात करें तो उन्नीस सौ छियासठ में एम एस स्वामीनाथन जी ने की थी भारत में हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है तो देखिएगा हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है उच्च उपज किस्म कार्यक्रम ऑप्शन नंबर सी राइट होगा भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस से किसके मध्य तक था तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जो पहला चरण है ये 1960 से 1970 तक था तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो शुंग वंश का अंतिम राजा था तो वह देखिएगा साथियों शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था तो देवभूति करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी देवभूति शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था तो याद रखिएगा शिशुनाग ही था ऑप्शन नंबर बी आगे देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था तो नंद वंश का संस्थापक था साथियों महापद नंद ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आगे देखिए उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा उगादी पर्व जो है ना ये कर्नाटक में मनाया जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा कर्नाटक विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है तो विशु पर्व अधिकतर भारत में केरल में मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है याद रखना गोड़ी पर्व जो है ना ये महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है देखिए पूरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ अगला है चपचार कुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है तो साथियों देखिए चपचार कुट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है आपको तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मिजोरम अगला क्वेश्चन है फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान देखिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है तो राइट आएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है तो याद रखिए करेक्ट आएगा कोच्चि में ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया है तो याद रखिएगा साथियों कर्नाटक के तुमकुरु में ठीक तुम है, है।, है याद रखिए श्रीनिवास के, के स्वामी श्रीनिवासन के स्वामी ऑप्शन नंबर बी किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है तो भाई याद रखिएगा भारत ने जीता है श्रीलंका को हराकर अगला हाल ही में कौन वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं तो देखिएगा साथियों हाल ही में वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं तो सर रविंद्र जडेजा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी इस वीडियो में आज पचास क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको इस क्लास पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अपने से अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आ, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है इसके अलावा चैनल के अंदर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे मैं डेली आपको एनालिसिस भी करवा रहा हूँ तो उनको भी जरूर देखना चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद